Audio Jungle. 9, 8, 7, 6. Audio Jungle. 5, 4, 3. Two, Audio Jungle. 1. हमारे दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनके उत्तर वैज्ञानिक आज भी नहीं ढूंढ पाए हैं। उनमें से एक बड़ा रहस्य है रिनकार्नेशन, यानी कि पुनर्जन्म। तो आज मैं आपको रिनकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म और उसका एक किस्से के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। रिनकार्नेशन या पुनर्जन्म का मतलब होता है कि एक आत्मा का फिर से जन्म होना। यह माना जाता है कि एक आत्मा कभी भी खत्म नहीं होती, भले ही उसका शरीर खत्म हो गया हो। आत्मा फिर से धरती पर एक अलग और नए शरीर के साथ वापस आती है। कई धर्मों का मानना है कि पुनर्जन्म इतिहास की शुरुआत से हो रहा है, और आज धर्म और विज्ञान दोनों ही पुनर्जन्म में रुचि दिखा रहे हैं। मोटे तौर पर एक चौथाई अमेरिकियों ने 2012 की प्यू रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार पुनर्जन्म में विश्वास किया है, और दुनिया भर से पुनर्जन्म की कहानियों पर हजारों केस है। तो चलिए अब पुनर्जन्म के एक कहानी के बारे में जानते हैं, द रिनकार्नेशन ऑफ शांति देवी। शांति देवी का जन्म 11 दिसंबर 1926 दिल्ली, भारत में हुआ था। 1930 के दशक में जब वह लगभग 4 साल की थी, तब उसने अपने माता पिता से कहा कि उसका असली घर मथुरा में है, जहां उसका पति दिल्ली में अपने घर से लगभग 145 किलोमीटर दूर रहता था। 6 साल की उम्र में वह अपने माता पिता से निराश होकर घर से भागकर मथुरा पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह नहीं जा पाई। एक दिन उसने स्कूल में कहा कि उसकी शादी हो चुकी थी और बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। एक बार उसके टीचर और प्रिंसिपल ने उसका एक इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में लक्ष्मी देवी ने मथुरा बोली के शब्दों का इस्तेमाल किया और अपने व्यापारी पति केदारनाथ का नाम बताया। प्रिंसिपल मथुरा में उस नाम के एक व्यापारी के घर गए, जिन्होंने अपनी पत्नी लुकडी देवी को 9 साल पहले एक बेटे को जन्म देने के 10 दिन बाद खो दिया था। एक दिन केदारनाथ अपने बेटे के साथ दिल्ली पहुंचा, जहां पर शांति देवी देखते ही पहचान गई। जैसे कि शांति देवी को केदारनाथ के लाइफ के बारे में सब कुछ पता था, केदारनाथ ने भी कहा शांति देवी ही उसकी पत्नी लुकडी देवी है। इस मामले को महात्मा गांधी के ध्यान में लाया गया, जिन्होंने जांच के लिए एक आयोग का गठन किया। आयोग ने 15 नवंबर 1935 को शांति देवी के साथ मथुरा की यात्रा की। उन्होंने लुकडी देवी के दादा सहित परिवार के कई सदस्यों को पहचान लिया। उसके बाद वह अपने माता पिता के साथ घर चली आई। 1936 में प्रकाशित आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शांति देवी ही वास्तव में लुकडी देवी का पुनर्जन्म थी। इसके अलावा भी ऐसे कई कहानियां हैं जो साबित करते हैं कि पुनर्जन्म सच में होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, और अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल स्टोरीज एंड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियोस की हर लेटेस्ट अपडेट आप तक समय पर पहुँचेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।